मगर एमएस धोनी, मतलब मैं चेन्नई और मैं एक ही वेन्यू बचा था जब आईपीएल खत्म होने लग गया, तो एक ही वेन्यू बचा था जहां मैं गया नहीं था, वो था चेन्नई। बाकी मैंने सीएसके के मैचेस बैंगलोर में देखे, सीएसके का मैच लखनऊ में देखा, सीएसके का मैच दिल्ली में देखा, सीएसके का मैच और भी कई जगह देखा, तो मैं देख चुका था सीएसके दो चार बार, मैच कवर कर चुका था एज इन। मगर जी मैं चेन्नई नहीं गया था, और मैंने बहुत सुना था चेन्नई के बारे में यार। बट देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वेंट टू चेन्नई, और उस दिन एमएस की बैटिंग भी आई। दिस वॉज आई डोंट रिमेम्बर विच गेम दिस वॉज, आई थिंक दिस वॉज सीएसके लखनऊ, नहीं सीएसके लखनऊ तो शुरू में हुआ था, इसमें मार्कउट को छक्का मारा था उन्होंने, ना पंजाब। पंजाब भी नहीं था। देयर वाज वन गेम, मैंने इतने करे थे यार, मैं खुद ही भूल गया। बट और मैंने धोनी को बैटिंग करते आते देखा है बैंगलोर में भी, जो इतना लॉयल आरसीबी क्राउड है, वहां भी लोग धोनी धोनी कर रहे थे। लेकिन सुफियान भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतनी, और मैं अहमदाबाद में था ओपनिंग सेरेमनी के दिन, 1 लाख लोग सिर्फ धोनी के लिए आए हैं। मतलब मैं ये कहानी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियो डाला था उसमें बताई थी। तो अरिजीत सिंह परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और मैं कुछ अपना ग्राउंड के बाहर से शूट कर कर एक सेगमेंट आया था, और अरिजीत सिंह के फैन तो हम सारे ही हैं, तो मैं ना नीचे जाके खड़ा हो गया ग्राउंड पे, और वो ग्राउंड का चक्कर ले रहे थे, ओपनिंग सेरेमनी का लास्ट गाना था वो, और वो गा रहे थे देवा देवा, ठीक है। अब तक प्लेयर्स ग्राउंड पे नहीं आए थे क्योंकि ग्राउंड पर उन्होंने वो सब सजावट वजावट कर रखी थी ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो हार्दिक तो एक बार दिखा था बिग स्क्रीन पर, और कोई प्लेयर नहीं दिखा था। तो धोनी वो गाना शुरू करते हैं, चिंगारियां ये जो मेरे, और उसके बाद जैसे ही अरिजीत सिंह गाते हैं देवा देवा, इट वॉज मैजिकल। क्योंकि जैसे ही उन्होंने देवा देवा गाया ना, पहली बार क्राउड ने एमएस धोनी को बैठे हुए देखा। वो डगआउट में बैठ रहे थे और गाना सुन रहे थे। जी, वो काफी वायरल हुआ था। मैं ग्राउंड पे खड़ा था सुफियान, और वो जो स्पीकर्स होते हैं ग्राउंड पर वो बहुत लाउड होते हैं, वो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। उस 10 सेकंड के लिए जब पहली बार एमएस धोनी को स्क्रीन पर देखा है लोगों ने, आप अरिजीत सिंह की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अरिजीत सिंह गा रहे थे लेकिन आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। 1 लाख लोग ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, जस्ट मैड लव फॉर एमएस धोनी। इसीलिए जब उन्होंने कहा भी ना फाइनल के प्रेजेंटेशन में, कहा कि जब वो पहली बार इस ग्राउंड पर आए थे और इतने सारे लोग देखे तो उनकी आंखें भर आई थी। लाजमी है यार, सच में लाजमी है। मतलब वो एक आवाज थी 1 लाख लोगों की। उसके बाद मैं चेन्नई गया और मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब इसको कैसे टॉप करोगे आप, 1 लाख लोग हैं। मतलब लाख चेन्नई लाउड होगा लेकिन इतना लाउड तो नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाय शेयर नंबर्स द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज ह्यूज इन अहमदाबाद। मैंने कहा इसको टॉप नहीं कर सकते, बट देखते हैं। एंड देन एमएस धोनी वॉक्स इन, एंड सुफियान यू विल नॉट बिलीव मी, चेन्नई में ना दे मेक अ फुल शो ऑफ एमएस धोनीज एंट्री। तो जैसे ही वो एंटर करे, कबाली एक मूवी आई थी, कबाली डा, रजनीकांत के, उसमें जो रजनीकांत का एंट्री म्यूजिक है वो क्यू इन करते हैं वो, एंड दैट म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग डैड डैड डैड, एंड एमएस धोनी एंटर्स, एंड द क्राउड व्हिच इज 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 30-35 हज़ार कैपेसिटी है चेपॉक की। जी भाई वो इतने लाउड थे कि उस दिन आपको अरिजीत सिंह की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी अगर आप अहमदाबाद में थे। इस दिन मैं वहां खड़ा था और मुझे कुछ आवाजें आप यहां से सुनते हो ना, मैंने वो आवाज यहां महसूस करी है, उसका बेस मुझे यहां महसूस हो रहा था, धोनी धोनी, एंड यू कुड फील इट। और ऑल्सो वो क्या करते हैं, वो सबको विसल देते हैं, जी। तो आवाज लाउड भी है और आवाज श्रिल भी है, क्योंकि वो सीटी बजाने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद। इट इज मैड, मतलब मैं अभी बता रहा हूं आपको और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट वॉज दैट गुड।